हमारे सलामती के इदारे, हमारी इंतजामिया, सब का इस पर फोकस है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचला जाएगा। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वजीर आजम इमरान खान ने यह बात कही। उनका कहना है कि किसी फर्द या ग्रोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैंने आई जी पंजाब से मियाँ छन्नू वाक्य के जिम्मेदारों की तफसीलात तलब की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फराइज़ की अंजामदही में नाकाम रहने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब की हैं। दूसरी जानिब खानेवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि मियाँ छन्नू वाक्य की मजम्मत करते हैं, वाक्य के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन लोगों ने यह काम किया है उन्हें माफी नहीं मिलेगी। सानेहा सियालकोट में बहुत एहतियात करके मुजरिमों को एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया गया, उसी तरह यहां भी अमल जारी है। इस वक्त हमारी पुलिस, हमारे सलामती के इदारे, हमारी इंतजामिया, सब का इस पर फोकस है कि जिन लोगों ने यह काम किया है उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। अलामा ताहिर अशरफी का कहना था कि पुलिस की तादाद कम और मुश्तहिल अफराद की तादाद ज़्यादा थी। अगर कोई जुर्म करता है तो पुलिस और अदालतें मौजूद हैं, इंतजामिया लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान समेत 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 62 के करीब अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से जो मेन वायलेंस फैलाने वाले थे, जिसे आप कहते हैं मेन जो बराह रास्त इस वकूआ के जिम्मेदार हैं, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। FIR दर्ज हो चुकी है 300 के करीब जो है अफराद के ऊपर। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मियाँ छन्नू में वाक़या पेश आया जहां मुकद्दस औराक को जलाने के इल्ज़ाम में हुजूम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। मियाँ छन्नू के नवाही इलाके तलंबा में अड्डा 17 मोड़ मदरसा शाह मुकीम में एक नामालूम शख्स पर इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ाम लगाने के बाद हुजूम ने मजकूरा शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया और लाश को दरख्त पर लटका दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान पर चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है, सिर्फ अमरीका की राय मुख्तलिफ है क्योंकि वो अपनी अंदरूनी मजबूरियों की वजह से फंसा हुआ है। साबिक सिफारतकार और सीनियर सहाफ़ियों से चीन के हालिया दौरे पर खुसूसी बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दुनिया का नक्शा तेज़ी से बदलता जा रहा है। आज आप सबसे मुलाकात का मकसद आपकी आरा लेना है। इस दौरे से मुतालिक आपकी राय सुनना चाहता हूँ। चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें मजबूत हैं कि मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है जो कि मेरे साथ थी वहाँ, तो आपकी राय भी सुनना चाहता हूँ। आप किस कौन से एस्पेक्ट के ऊपर, जो चाइना की ये जो हमारा दौरा था इसके ऊपर किस एस्पेक्ट के ऊपर आप एलैबोरेशन चाहते हैं, बातें चाहते हैं, और फिर हम थोड़ी से आइडियाज़ भी बाउंस करें आपके साथ कि जिधर आज पाकिस्तान प्लेस्ड है और जो एक पूरा दुनिया के अंदर एक नक्शा बड़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है कि जब हम दुनिया का जो पॉलिटिकल मैप है, जब 2 साल पहले चाइना गया था तब से और अब के बीच में दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आई हैं, तो इसलिए ये दौरा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा रेलेवेंट। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे ताल्लुकात मौजूदा दौर के बाद ज़्यादा मजबूत हुए हैं। 2019 में कोरोना के बाईस चीन में लॉकडाउन किया गया और चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया और यह दौरा मुलतवी होने के बाईस कुछ चीज़ें तय होने से रह गईं। चीन में अगर ऊपर से कोई सिग्नल आता है तो पूरे मुल्क में फौरी तौर पर इसके असरात आते हैं। कोरोना पाबंदियों पर वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती थी। 2019 के बाद कोविड आ गई, चाइना बंद हो गया। ये पहली दफ़ा प्रेजिडेंट शी की मुलाकातें हुई हैं, ये इस बारी 2 साल के बाद हुई हैं, तो उसके अंदर सब कुछ रुक गया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये पावर प्लांट्स, इनको फाइनेंस करना था किसी ने, साइनोशोर ने करना था, तो वो हमारे जो इश्यूज बने उसके बाद, क्योंकि हमने तो कई चीज़ों के ऊपर, अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें सेटलमेंट करनी थी उनसे, क्योंकि वो अभी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई, तो वो इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी, और जब तक उनकी लीडरशिप
उसके ऊपर नॉड नहीं देती, नीचे कोई चीज़, आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा, वो मूव नहीं करती चीज़ें। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं परसू करने के लिए, लेकिन जब तक वहाँ लीडरशिप की मीटिंग नहीं होनी, उन्होंने तो आपको पता है ना कि प्रेजिडेंट शी ने पाकिस्तान आना था, तो उन्होंने अपनी ट्रिप आगे डिले की, तो उस ट्रिप के ऊपर वो जो चीज़ें होनी थी वो अनफॉर्चुनेटली डिले होके अब जाके सारी बातें हुई हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था। इस दौरे में 2 साल के बाद चीन के सदर से मुलाकात हुई। चीनी क़यादत से मिलने तक मामलात आगे नहीं चल सकते। अफगानिस्तान पर चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है, सिर्फ अमरीका की राय मुख्तलिफ है। अमरीका अपनी अंदरूनी मजबूरियों की वजह से फंसा हुआ है, अमरीकी खारजा पॉलिसी की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। तकरीबन सारे सबका कंसेंसस बन चुका है, यूरोपियंस का, सारी अफगानिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स का, सबका इस वक्त कंसेंसस है कि उनको ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए और इनके रिजर्व्स को डीफ्रीज करना चाहिए। ये सबका स्वाय अमेरिका का, और अमेरिका के अंदर भी ये वो भी ये समझते हैं कि अगर यह इस तरह उन्होंने चलते गए तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। अफगानिस्तान के अगर कैओस की तरफ चला गया तो इवेंचुअली अमेरिका भी रियलाइज़ करता है, लेकिन अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से फंसा हुआ है। इमरान खान ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों और विफाक में तकसीम हो गए। इस तरमीम के बाद बहुत से मसाइल सामने आए। आज सिंध और पंजाब में गंदम की अलग अलग कीमतें हैं, मुल्क में अशिया की कीमतें यकसा होनी चाहिए। या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। तो अब मैं आपको इसकी आगे भी डिटेल्स दे सकता हूँ कि क्या अब सिंध के अंदर गंदम किस कीमत पर बिक रही है और पंजाब में किस कीमत पर बिक रही है। ये होना तो नहीं चाहिए, मुल्क में एक ही कीमत में गंदम बिकनी चाहिए। उसके बड़े डिसएडवांटेज है, वहाँ से इधर से उधर चली जाती है गंदम, एक सूबे से दूसरे में जो शॉर्टेजेस हो जाते हैं कीमतें ऊपर। ये यूरिया के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं, अब यूरिया वहाँ से सिंध के अंदर हमें वो पता ही नहीं है कि उन्होंने किधर होल्ड किया हुआ है। जितनी क्लैरिटी हमारी मैसेजिंग में थी और जवाबन उनकी मैसेज प्रेजिडेंट शी के साथ जो पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर ने मजीद 41 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 3,206 मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक होने वाली अमवात की तादाद 29,722 हो गई है। 14,83,798 शहरी वबा से मुतासिर हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 78,398 हो गई है। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.79% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 55,304 कोरोना टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर ताहाल मुल्क भर में 2,57,51,321 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के 4,935 मरीज सेहत याब हुए, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 13,75,628 हो गई है। कोरोना से मुतासिर 1,623 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अदाद व शुमार के मुताबिक पंजाब में 4,94,971, सिंध में 5,57,931 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा 2,09,758 और बलोचिस्तान में अब तक 35,056 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद 1,33,037, गिलगित बल्तिस्तान में 11,183 केसेस, आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 41,862 हो गई है।